नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्क्रीन फिक्सर में। दोस्तों, आज ये मॉडल सैमसंग का M30 है, तो इसका ब्रोकन ग्लास आप कितनी आसानी से बग़ैर मोबाइल खोले, विदाउट ओपन मोबाइल आप कर सकते हैं, तो ये मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं कि कैसे आपको इसका ग्लास चेंज करना है। तो दोस्तों, वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा किस तरीके से आपने इसका ग्लास सेपरेट करना है, कैसे इसका ग्लू साफ करना है, कैसे इसकी आपको पंचिंग करनी है। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आपके लिए मैं डेली ऐसी नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूं, और बेल नोटिफिकेशन आप ऑन कर लेना ताकि आपको डेली ऐसी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिलती रहे, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से इसका ग्लास चेंज करना है। सबसे पहले दोस्तों, मैंने इसमें विदाउट OCA ग्लास यूज़ किया है, और देखिए मैंने किस तरीके से OCA लगाई है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, मैंने OCA में जो पेपर पंचर होता है जिससे पेपर में होल करते हैं, उससे कैमरे की जगह पे होल कर लिया है, और मैंने पूरी OCA लगाई है, पूरे ग्लास पर मैंने OCA लगाई है। ओनली जहाँ कैमरा होता है वहाँ पे मैंने एक होल कर लिया है OCA में, पेपर पंचर से, जो पेपर पंच वाला जो टूल होता है, और चारों साइड से मैंने OCA कटिंग कर ली है। तो देखिए किस तरीके से मैंने OCA लगाई है, ये आपने देख लिया। कटिंग करने के बाद दोस्तों, इसको एक मिनट के लिए आप बबल में रख लें। अगर कोई छोटा मोटा इसमें बबल होगा तो वो आपका बबल चला जाएगा। बबल में रखने से दोस्तों, बाद में जब आप ग्लास की डिस्प्ले के ऊपर पंचिंग करेंगे तो अगर आपके ग्लास में कोई बबल है तो उसको निकलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए आप पहले चेक कर लें कि ग्लास में कोई बबल तो नहीं है जब आप ग्लास डिस्प्ले के ऊपर लगाते हैं। अब देखिए हम किस तरीके से इसमें वायर डालनी है। तो देखिए, मैंने ब्लेड की सहायता से इसमें वायर डाली है, ब्लेड से मैंने थोड़ी सी जगह बनाई है और मैंने इसमें वायर डाल लिया। अब हम इसको हीटिंग करेंगे। हीटिंग दोस्तों, मैंने इसको 100 हीटिंग की है। 100 हीट पे दोस्तों इसमें कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 100-105 तक आप अगर इसको हीट करेंगे तो आपको कोई इसमें कोई 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ, आपने अगर 100 हीट रखी है तो इसमें कोई किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब देखिए, अब इसको हमने कटिंग वायर से ग्लास को सेपरेट करना है। किस तरीके से कटिंग वायर चलानी है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कटिंग वायर किस तरीके से मैंने चलाई है। इस तरीके से आपने कटिंग वायर चलाई तो आपका धीरे धीरे ग्लास सेपरेट होने लगेगा। और अब हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही वायर डालेंगे जैसे हमने इधर से वायर डाली थी। तो दोनों तरफ से वायर आपने डाल लेनी है, उसके बाद आपने सीधी कटिंग करनी है इसकी। तो दोस्तों देखिए कितना आसान है, बग़ैर मोबाइल खोले आप, बग़ैर मोबाइल ओपन किए आप किस तरीके से इसका ग्लास बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं, तो ये मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। देखिए, आपने वायर आराम आराम से चलानी है, क्योंकि दोस्तों साइड से ग्लास टूटा होता है तो वायर उसमें फंसती है। तो आपने अगर आराम आराम से वायर चलाई तो आपका ग्लास बिल्कुल आराम से सेपरेट हो जाएगा।
अब देखिए, अब आपको वायर सीधी कर लेनी है और आपको सीधी कटिंग करनी है। दोनों साइड से हमने थोड़ी थोड़ी कटिंग कर ली है, अब ये वायर आपने बिल्कुल सीधी चला लेनी है। देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल आसानी से काम हो जाता है, इसमें कोई आपको मुश्किल नहीं आएगी, बिल्कुल आप आसानी से कर लेंगे। दोस्तों फिर भी आपको कोई डाउट रहते हैं, आपको फिर भी कोई दिक्कत रहती है, अगर आपको कुछ फिर भी समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं। और दोस्तों इंस्टाग्राम पे फॉलो करना आप ना भूलें, इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम कर दें अगर आपको कोई दिक्कत है। दोस्तों मैं आपको रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, लेकिन दोस्तों आप ये सोचो कि मैं उसी टाइम रिप्लाई दे दूँ, तो दिन में दोस्तों मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। मैं जो भी व्हाट्सएप या जो भी मैसेंजर या इंस्टाग्राम पे जितने भी मैसेज आते हैं, मैं दोस्तों रात को 10, 10:30, 11 बजे के बाद ही रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि दोस्तों तभी टाइम मिल पाता है। मैं 1 से 1.5 घंटा तभी मैं सभी के रिप्लाई देता हूँ, 1 से 1.5 घंटा मैं ऑनलाइन रहता हूँ, तो दोस्तों दिन में वक़्त नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों आप भी समझ सकते हैं, दिन में टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए दोस्तों रात को ही मैं रिप्लाई देता हूँ। तो आप ये ना समझें कि मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, दोस्तों ये यकीन रखो, आप ये यकीन मैं आपको दिलाता हूँ कि रात को आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। अगर आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो मैं आपको रात को ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो देखिए किस तरीके से ग्लास भी उतर चुका है दोस्तों, छोटा छोटा कांच है ये, आपने पहले डिस्प्ले के ऊपर से उठा लेना है, क्योंकि जब आप रोलर से साफ़ करेंगे तो कोई छोटा सा भी अगर कांच का टुकड़ा डिस्प्ले में या डिस्प्ले के पत्ते या साइड में लगेगा तो आपकी डिस्प्ले ख़राब हो सकती है। तो ये जो छोटे छोटे कांच हैं ये आपने ज़रूर पहले हटा लेने हैं, उसके बाद आपने रोलर से इसको साफ़ करना है, जो आपका मोटा मोटा ग्लू आपका दिखाई दे रहा है आपको, ये आपने रोलर से साफ़ करना है। दोस्तों कटिंग करने के बाद आप कोई केमिकल ना यूज़ करें, आप कटिंग करने के बाद रोलर से पहले साफ़ करें, उसके बाद आप इस पे पेट्रोल और जादुई कपड़े से आप क्लीनिंग कर लें, तो आपकी जो क्लीनिंग है वो बहुत जल्दी हो जाएगी, आपको क्लीनिंग करने में टाइम नहीं लगेगा और बड़ी आसानी से आपकी क्लीनिंग हो जाएगी। देखिए कितनी आसानी से आपकी ग्लू साफ़ हो जाती है, अगर आप इसके ऊपर कोई केमिकल लगा देंगे या आप कोई भी लिक्विड लगा देंगे तो आपकी एक जो ग्लू है ये बहुत टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो इसको निकालने में आपको काफ़ी वक्त लग जाएगा। और दोस्तों ये हम इन फ्रेम बना रहे हैं, विदाउट मोबाइल ओपन बना रहे हैं, तो दोस्तों एक चीज़ का आपको बहुत ख्याल रखना होता है, आपको फ्रेम पूरा क्लीन करना होता है, जो फ्रेम है पूरा वो चारों तरफ से आपने बिल्कुल क्लीन करना है, बिल्कुल साफ़ करना है, ताकि ग्लास आपका बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए, तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। सफाई आपको इन फ्रेम में पूरी रखनी है, बिल्कुल आपको क्लीन फ्रेम रखना है, ना तो कोई ग्लू हो ना ही कोई इसके साइड में कोई कांच का टुकड़ा हो, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान से देखें, उसके बाद आप ग्लास इस पे रखें।
तो देखिए किस तरीके से सफाई हो रही है दोस्तों। सफाई का ग्लास के काम में बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो आपका आपके काम में शाइनिंग नहीं आएगी, आपका काम अच्छा नहीं लगेगा। और आपने अगर सफाई ढंग से नहीं की, अच्छे से सफाई नहीं की, तो भी दोस्तों बबल आते हैं और बबल बहुत ही भद्दे लगते हैं। तो साफ़ सफाई का आपने बहुत ध्यान रखना है। अब देखिए ग्लास हमने पूरा फ्रेम साफ़ कर लिया और आपको ग्लास देख लिया किस तरीके से बिठाना है। दोस्तों ग्लास आपने जो बॉर्डर हैं, जो फ्रेम है हमारा, उसके बॉर्डर पे पूरे चारों तरफ से ग्लास अंदर होना चाहिए, कहीं से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से बाहर रहेगा दोस्तों, वहाँ पे आपका बबल रहेगा या आपका ग्लास पंचिंग में क्रैक हो सकता है। तो आपने ग्लास बिल्कुल फिटिंग से बिठाना है, पूरा चारों तरफ जो क्रोम है, जो फ्रेम है, उसके अंदर होना चाहिए। तो ये आपने ध्यान रखना है, चारों तरफ से आपको ग्लास अच्छे से बिठाना है। तो जिस तरीके से देखिए ग्लास हमने बिठा लिया है, और अब दोस्तों आप इसकी जो पंचिंग है, पंचिंग की सेटिंग आपने ज़रूर देखनी है दोस्तों। पंचिंग की सेटिंग मेन होती है जब आप विदाउट मोबाइल ओपन किसी भी फ़ोन का आप ग्लास चेंज कर रहे हैं, तो उसकी पंचिंग की सेटिंग जो है मेन होती है। तो आपने पंचिंग की सेटिंग ज़रूर देख लेनी है, ध्यान से देखनी है, और आपने यही सेटिंग रखी तो आपकी जो भी डिस्प्ले आप बना रहे हैं उसकी आप सेटिंग ज़रूर देख लिया करें। और वही सेटिंग आपने रखी तो आपकी बिल्कुल अच्छे से पंचिंग होगी, ना ही आपके बबल आएंगे। हल्के फुल्के बबल अगर आते हैं तो वो 1 से 2 मिनट में आपके चले जाते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम पंचिंग कर रहे हैं। देख लीजिए, प्रेशर आपने देख लिया, वैक्यूम आपने देख लिया, और पंचिंग टाइम भी आप ज़रूर देख लिया करें दोस्तों। हर डिस्प्ले का अलग अलग पंचिंग टाइम, प्रेशर टाइम और वैक्यूम टाइम होता है, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर दिखाता हूँ कि आपको दोस्तों कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन दोस्तों कमेंट में इक्का दुक्का है जो कह रहे हैं कि आप फ्री में सबको बता रहे हैं, तो दोस्तों उसकी परवाह मुझे नहीं है, मैं उनको इग्नोर करता हूँ। लेकिन मुझे जो करना है वो दोस्तों मैं ऐसे ही करता रहूँगा। तो और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे दोस्तों। ऐसे ही आपने सपोर्ट किया तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो देख लीजिए पंचिंग हो चुकी है, अब इसको आपने 2 मिनट बबल में रखना है। 2 मिनट आपने बबल में रखा तो इसके बबल आपके चले जाएंगे। अब देख दोस्तों देख लेना इसकी फिनिशिंग देख लेना आप, और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इसकी फिनिशिंग कैसी लगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरह दोस्तों आपने सपोर्ट किया तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। यही उम्मीद मैं आपसे रोज करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नए मॉडल का ग्लास चेंज करने के लिए, किसी नए मॉडल का सॉल्यूशन देने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।